बीजेपी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी मेरे साथ हैं। सर, कल प्रोजेक्ट चीता के तहत 8 चीते देश में लाए गए, प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर उन्हें जंगल में छोड़ा गया, अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। राहुल गांधी ने ये हमला किया कि ये महंगाई और बेरोजगारी की चिंता छोड़कर प्रधानमंत्री जो है वो चीतों को जंगल में छोड़ रहे हैं, उनकी फोटो खींच रहे हैं। तो वहीं अखिलेश यादव ने दहाड़ को लेकर के सवाल उठा दिया कि ये चीता तो दहाड़ता नहीं है, इस पर क्या प्रतिक्रिया? मुझे पता नहीं अखिलेश यादव के पास कौन सा चीता है जो दहाड़ता हो। अरे, चीते की जो आवाज़ होगी वही ना निकलेगी। और देखिए, ये तो इस देश की इतनी बड़ी उपलब्धि है जिसका श्रेय नरेंद्र मोदी जी को जाता है कि जो चीता एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया गया था, उस चीते को नामीबिया से लाकर और कितनी मुश्किलों से उसको लाकर यहाँ के जंगलों में छोड़ा गया है, तो इसका स्वागत करने की वजह इस पर भी राजनीति हो रही है। और जहाँ तक महंगाई की बात है, तो अमेरिका और यूके और यूरोप में तो 40 साल की उच्चतम स्तर पर महंगाई है। वैसे ये महंगाई आज तक अमेरिका के लोगों ने देखी नहीं थी, और भारत में तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने महंगाई को नियंत्रित करके दिखलाया है। तो इसलिए देखिए, ये हर चीज़ की आलोचना करना, ये तो इतनी बड़ी उपलब्धि है, उसका भी मजाक उड़ा रहे हैं, उसके बारे में भी तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि इसकी आवाज़, अरे जिसकी जो आवाज़ होगी वही ना आवाज़ निकलेगी क्या? इसका मतलब अखिलेश यादव को पता ही नहीं था कि चीते की आवाज़ किस प्रकार की होती है। तो जो लोग इतने अनभिज्ञ हैं तो वो लोग इस प्रकार की उठपटांग बातें केवल बोलना जानते हैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़ा काम किया है। एक विलुप्त होती जो प्रजाति थी, उस प्रजाति के जीव जंतुओं को लाकर उनको एक जगह दी गई है, तो ये तो देश के लिए बहुत बड़े गौरव की बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक आखिरी में सर, बिहार से जुड़ा हुआ मामला है, IRCTC कथित घोटाला मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ने कोर्ट में बिहार के जो मौजूदा उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव, उनकी बेल रद्द करने की मांग की है। इसको इसके जवाब में सामने से ये कहा गया है दूसरी तरफ से कि ये टारगेट करने की कोशिश है, क्या इस पर आपकी प्रतिक्रिया है? नहीं, देखिए, मुझे भी समाचार पत्रों से ज्ञात हुआ है, लेकिन बात सही है कि तेजस्वी यादव ने और धमकी दी थी CBI के अधिकारियों को बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हमेशा यही सरकार रहने वाली नहीं है, और चेतावनी धमकी भरी भाषा में, तो आप जांच एजेंसी को धमकी देंगे कि मैं देख लूँगा? तो ये, और जिस प्रकार का जमाई है और जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया, तो कहीं ना कहीं जो CBI के अधिकारी, उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित करना, उनको धमकी देना कि सरकार बदलेगी तो मैं देख लूँगा वैसे अधिकारियों को, तो ये वास्तव में मामला तो बनता है। लेकिन अब कोर्ट को फैसला करना है कि कोर्ट इसके बारे में क्या करती है। लेकिन आपको नहीं लगता सर कि इससे ये कहने का मौका मिल जाता है कि ये बदले की कार्रवाई है, कि सरकार बदली तो CBI अब बदले की कार्रवाई कर रही है, जो कहा भी जा रहा है, ये मौका मिल जाता है कहने का? CBI तो लालू परिवार पर, जब लालू जी मुख्यमंत्री थे तब से कार्रवाई कर रही है। इसका मतलब CBI कार्रवाई करना बंद कर दे? भाई, इनके पास जो आरोप है उसका जवाब नहीं है। ये आरोपों का जवाब देने के बजाय हमेशा ये कहते हैं कि बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है। आप बताइए ना कि क्या ये बात सही नहीं है कि रेलवे के 2 होटल देने के एवज में पटना शहर के प्राइम इलाकों में 3 एकड़ जमीन मिली, और जिस 3 एकड़ जमीन के मालिक बन गए तेजस्वी यादव, और जहाँ 750 करोड़ का मॉल बन रहा था, ये क्या ये सही नहीं कि आप धमकी दे रहे थे CBI के अधिकारियों को? इसका तो वीडियो फुटेज है, इसके तो सारे प्रमाण हैं। तो अगर कोई कार्रवाई करता है तब आप कहेंगे बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है। शुक्रिया बात करने के लिए सुशील कुमार मोदी जी। कैमरा पर्सन दीपक चौधरी के साथ जयनेन्द्र, ABP News, दिल्ली।